नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निषाद फाटक, म्यूनिख से बात कर रहा हूं। नमस्ते, आई होप आप सब कुशल हैं, आप स्वस्थ हैं और घर पर हैं। मैं आज से कुछ हफ्तों के लिए आपके सामने चुनिंदा गाने पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया म्यूनिख को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पब्लिक एंगेजमेंट के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है, और मेरे इस आपके आपके मनोरंजन के लिए, मेरे इस बहुत ही छोटे से योगदान के लिए उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट CGI म्यूनिख। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गानों का सिलसिला। आज का पहला ही गाना मैंने ये चुना है, ये फिल्म ये जवानी है दीवानी का गाना, इलाही मेरा जिया है। तो फॉर्मेट यह रहेगा कि मैं आपके सामने पहले गाना पेश करता हूँ, गा के सुनाता हूँ, आप मज़े लूटिए, और उसके बाद मैं आपको इस गाने से जुड़ी कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। 40 to 45 मिनट्स के सेशन में आई होप मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आइए सुनते हैं। गाना कुछ ऐसा है। बाय द वे, इस गाने के सिंगर्स मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगा। सिंगर्स हैं मोहित चौहान जी और अरिजीत सिंह जी, दोनों ने अपने अपने वर्जन्स में गाया है। मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों वर्जन्स को किसी तरह मिक्स करके आपके सामने एक ही वर्जन में गाना गाऊँ। इसका म्यूजिक दिया है प्रीतम चक्रवर्ती जी ने, और लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य जी के। तो गाना कुछ ऐसा है। शामें मलंग सी, रातें सुरंग
थैंक यू। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये गाना। चलिए अभी देखते हैं इसको आप सब कैसे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे बजा सकते हैं। चलिए आपके पास अगर गिटार है या यूकेलेले है या कीबोर्ड है तो मैं आपको इस गाने के कॉर्ड्स बताऊंगा, इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताऊंगा जो आप अपने परफॉर्मेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आप खुद सिंगर है, सिर्फ सिंगर है, तो भी आप इन कॉर्ड्स को ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं जो जिनको इंडियन गाने पता नहीं है, जिनको इंडियन गानों के बारे में पता नहीं है, जिन्होंने सुने नहीं है, तो इनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी दे सकते हैं जिससे आप उनके साथ जैम कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहले। ये गाना है, इस गाने की स्केल है ए ए मेजर। मैं अंग्रेजी के नोट्स का इस्तेमाल करूँगा, तो ए मेजर पे है ये गाना। और मैंने अपने गिटार पर, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कैपो लगाया है, तो नॉर्मली ए मेजर की पोजीशन किसी भी गिटार पर ये होती है या फिर ये। लेकिन इस गाने की खासियत ये है, और इस गाने के कॉर्ड्स उन्होंने स्ट्रमिंग पैटर्न की वजह से शायद उन्होंने भी यही किया है, और वैसे ही मैंने भी फॉलो किया कि सेकंड फ्रेट पर आप कैपो लगाइए ताकि आपका ए मेजर जो है, ए मेजर का कॉर्ड आप जी मेजर की पोजीशन में आप बजा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली जी मेजर आप यहाँ बजाते हैं, हम यहाँ पे बजाते हैं, लेकिन हम दो फ्रेट अगर उसको ऊपर कर लेंगे कैपो लगा के, तो ये आपका बेसिकली फ्री नोट्स हो गए हैं जो दो स्वरों से ऊपर हैं। नॉर्मल फ्री नोट्स होते हैं ई, नॉर्मल गिटार का ई होता है, तो अभी ये ई एफ और एफ शार्प पर है, तो एफ शार्प ये फ्री नोट है, और इससे जी की पोजिशन पे अगर आप बजाएंगे तो आपको ए मेजर का कॉर्ड मिल रहा है यहाँ। ये गाना ए मेजर पर है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये थी पहली बात। तो अगर आप ऐसे बजाएंगे तो आपको ये वाला जो जी मेजर की पोजीशन का इफेक्ट इस गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ये आपको मिल जाएगा। तो पहला तो ए मेजर है ये कॉर्ड, और उसके बाद उन्होंने यूज किया है डी मेजर, तो आप वो डी ऐसा बजा सकते हैं। ये अभी आप देखिए सी मेजर की पोजीशन है, लेकिन इसमें डी मेजर बज रहा है, दो सेमी टोन्स ऊपर, तो ये मैं बजा रहा हूँ सी मेजर की पोजीशन में, लेकिन ये डी मेजर बज रहा है। और अगर आपको चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप जब यह फास्ट बजा रहे हैं तो जी के बाद अगर आपको यहाँ से सी पोजिशन में जाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो आप यहाँ पे जी से सिर्फ दो फिंगर उठा के यहाँ पे जो सी सी एड नाइन एक पोजीशन है, सी एड नाइन इसको कहते हैं, तो वहाँ पे आप डी एड नाइन यहाँ पे बज रहा है, तो वो आप बजा सकते हैं। सी एड नाइन की पोजीशन है लेकिन यहाँ पे डी एड नाइन बज रहा है, तो ए मेजर एंड देन आप डी एड नाइन बजाएंगे। और तो ये बेसिक दो कॉर्ड्स हैं इस गाने के लिए, क्योंकि बहुत ही शुरुआत से ही इसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रमिंग आपने बहुत ही फास्ट करनी है, तो वो अभी मैं बताता हूँ कि स्ट्रमिंग इस कॉर्ड्स के साथ कैसे करनी है। बहुत ही स्लो मैं पहले स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि आपको किस तरह से अपना हाथ राइट हैंड हिलाना है। अगर आप राइट ही है, राइट हैंड गिटार बजा रहे हैं तो राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड आपको कभी बदलना है फ्रेटबोर्ड पे, या फ्रेटबोर्ड पे आपका जो भी हैंड है वो कभी बदलना है। तो स्ट्रमिंग ऐसा है, बहुत ही स्लो दिखा रहा हूं पहले। ओके तो ये जो अप डाउन पोजीशन है ये आपको कंटिन्यूसली शुरू चालू रखनी है इस स्ट्रमिंग में, ये दिस शुड नॉट स्टॉप एट ऑल। एंड ये करते हुए ही आपने कुछ नोट्स को, कुछ पोजीशंस को एक्सेंट करना है, तो फिर वो उसका स्ट्रमिंग पैटर्न बराबर आपको सुनाई देगा। मैं अभी बहुत ही स्लो दिखा रहा हूँ, ये इसके बाद बहुत फास्ट होता है, क्योंकि
तो अप डाउन ये नॉर्मल है। अभी अगर ये 4/4 टाइम सिग्नेचर में है ये गाना, तो 4/4 मतलब अगर हम 16 के पार्ट्स बनाए, 4 divisible by 4 है, तो 16 के अगर हम पार्ट्स बनाए तो हम इस स्ट्रमिंग को 16 में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस स्ट्रमिंग पैटर्न का डिवीजन ऐसा है कि 6 6 एंड 4, सो 12 प्लस 4 16। तो ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। तो इसको इकट्ठा ही बजाना है, बिल्कुल रुकना नहीं बीच में, और 16 के बाद वापस लूप में चालू रखना है ये। और अभी मैं इस पार्ट को एक्सेंट देकर, मतलब मैं हाउ डू यू मेक इट नोटिसेबल कि ये तीन पार्ट्स है, कि 6 6 और 4, ये नोटिस कैसे करवाएंगे आप अपने स्ट्रमिंग में? तो उसके लिए मैं एक्सेंट दे रहा हूँ कि सभी एक लेवल पे नहीं बजेंगे ये पार्ट्स, बल्कि आपको एक्सेंट करना पड़ेगा 6 के बाद फर्स्ट फॉर 1 पे, हर 1 पे आपको एक्सेंट करना पड़ेगा। सो 1 1 1, तो 6 6 4 के हर एक के 1 पे आपको एक्सेंट अगर करेंगे तो जब ये फास्ट होगा तभी आपका ये अच्छे से सुनाई देगा। तो वापस करते हैं। ओके, और एक बार। ओके, अभी मैं थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ाता हूँ। और थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। तो ये तो बेसिक स्ट्रमिंग इसका पैटर्न है। अभी मैं आपको गाने का जो ओरिजिनल गाने का जो टेम्पो है उसमें ये दिखाता हूँ कि कितना फास्ट ये आपको बजाना पड़ेगा। टेम्पो कुछ ऐसा है, आप अपने पास मेट्रोनोम जरूर रखिएगा इसके बाद के सेशंस के लिए भी, क्योंकि बहुत ही जरूरी होगा। 132 BPM, अप्रोक्सीमेटली 132 BPM पर ये गाना है, और 4/4 टाइम सिग्नेचर, तो आप वैसे अपने मेट्रोनोम में सेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनाई दे रहा है मेट्रोनोम। तो ये वही पैटर्न है, जो सिर्फ मैं बहुत ही फास्ट बजा रहा हूं, तो और अभी कॉर्ड चेंज करते हुए, तो सी सॉरी ए मेजर और डी एड 9, ये दो कॉर्ड आप अल्टरनेट बजाएंगे। मतलब 1 बार जो हमने बोला कि 6 6 4 का 16 बीट का 1 बार, और नेक्स्ट बार सी, नेक्स्ट बार डी एड 9 की पोजीशन को चेंज करना। तो हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे मैंने गलत बोला कि ए मेजर 2 बार बजता है और फिर डी एड 9 2 बार बजता है। तो ए मेजर अगर आप 16 बिट एज 1 बार कंसिडर कर रहे हो, तो ए मेजर और फिर डी एड 9 ऐसे दो 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 बार्स बजाने हैं। तो ये आपका बेसिक आपका स्ट्रमिंग इस गाने के लिए हो गया। अगर आप ये बजा सकते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारा गाना आ गया है। तो इस पे इस गाने का मुखड़ा और अंतरे तक सब कुछ सेम ही है। शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, भागी उड़ान पे, ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो आपने देखा सिर्फ ये दो कॉर्ड्स पे मुखड़ा पूरा है, और मुखड़े के बाद की भी जो लाइन है सेम धुन है, उसके भी यही कॉर्ड्स हैं।
तो चलिए अभी नेक्स्ट इसका जो अंतरा है, अंतरा जो आता है, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, तो उसके कॉर्ड्स मैं आपको बोलता हूँ, वो है बी माइनर। बी माइनर आप नॉर्मली ऐसे बजाते हैं हम गिटार पे, लेकिन अभी हमने कैपो लगाया है तो आपको ये बार की उंगली रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ए माइनर की पोजीशन पे पकड़ सकते हैं और वो बी माइनर बज रहा है अभी, बी माइनर। फिर दूसरा कॉर्ड है एफ शार्प माइनर, तो मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, फिर से बी माइनर, और यही रिपीट होता है। सो बी माइनर, एफ शार्प माइनर और बी माइनर, ये रिपीट होता है। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, तो ये दोनों सेम है। और फिर उसके बाद आता है और एक कॉर्ड, ये बी सेवेंथ है, बी सेवेंथ, ये ए सेवेंथ की पोजीशन में आप बजा सकते हैं, ये कॉर्ड है। बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, ये इस लाइन का कॉर्ड है ये। सो मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। अभी इसका है कॉर्ड डी मेजर है, तो डी मेजर सीरियसली अब डी मेजर जैसा ही बजाएंगे, और यहाँ पे वो सी मेजर के पोजीशन में आ गया है, ये बज रहा डी मेजर है, तो आप ये जो लाइन है उसके लिए ये कॉर्ड है। बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, और फिर वापस बैक टू ए मेजर एंड डी डी एड नाइन, जो हमारे बेसिक कॉर्ड है। सो मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता। और जैसे आपने सुना होगा कि अंतरे के लिए वो स्टॉप्स है, ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रम नहीं है, तो जब भी आप स्ट्रम कर रहे होते तो आपको बीच में अभी अंतरे के लिए स्टॉप करना है, जैसे फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, तो जस्ट एक स्ट्रम स्ट्रम देना। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे, तो बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। और वो जो ओ है उस वहां से स्ट्रमिंग शुरू होती है वापस, सेम स्ट्रमिंग, बूंदों के सम बूंदों पे नहीं बूंदों के सम नहीं सॉरी, बूंदों बूंदों पे नहीं बूंदों के सम, यहां से स्ट्रमिंग शुरू होती है, बूंदों के नहीं बूंदों के समंदर पे, ओ ओ पे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ब्रिज के लिए कॉर्ड्स कुछ अलग कॉर्ड्स लिए हैं, जहाँ पे सिंगर्स थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, तो वो भी आपको अभी बताता हूँ। वो कॉर्ड्स हैं वाला जो प्रोग्रेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये तीन कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन है उन्होंने रिपीट किया है। वो कॉर्ड्स हैं बी माइनर, फिर डी मेजर, और यहाँ आता है अभी एफ मेजर। एफ मेजर हम नॉर्मली यहाँ पे बजाते हैं सबसे ऊपर, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कैपो लगाया तो हम बजा नहीं पाएंगे, तो एफ मेजर हम यहाँ पे बजा सकते हैं, बार कॉर्ड आपको बजाना पड़ेगा, ये जो एफ मेजर है आपको यहाँ ऐसे बजाना पड़ेगा। तो आप ये तीन कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन वापस देखिए, बी माइनर, डी मेजर और एफ मेजर, और
और उसको हमारे स्ट्रमिंग बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से बजाना है। पीछे गिटार भी है और फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के बाद वापस वो मुखड़ा शुरू करते हैं। तो उसके उस मुखड़े के अभी थोड़े से अलग कॉर्ड्स प्रीतम जी ने दिए हैं, वो भी आपको बोलता हूँ, थोड़े से अलग है। तो ये जो तीन कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन हो गया, इसमें आप अगर आप कीबोर्डिस्ट है तो इसमें आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, अगर आप सिंगर है तो आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं अपने वोकल्स के साथ इस प्रोग्रेशन के बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन। और उसके बाद आता है वापस मुखड़ा। तो इस जब ये मुखड़ा वापस आता है तो उसको कॉर्ड्स अलग दिए हैं, वो ये है। पहला कॉर्ड है एफ शार्प माइनर, शामे मलंगसी, और दूसरा कॉर्ड उन्होंने दिया है ए मेजर, जो हमारा पहला कॉर्ड था। सो शामे मलंग सी, राते सुरंग सी। और अभी तीसरा कॉर्ड है, बहुत ही अलग कॉर्ड है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, आप जरूर बजाइएगा। वो है बी मेजर है। हम नॉर्मली बी मेजर ऐसा बजाते थे, लेकिन अभी कैपो की वजह से हम ए के पोजीशन पे बजा रहे हैं बी मेजर। तो शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, ए मेजर, और बागी उड़ान पे, और उसके बाद आता है डी मेजर। ना जाने क्यों इलाही मेरा। तो यहां तक हम करते हैं वापस जो इम्प्रोवाइजेशन के कॉर्ड्स थे। उसके बाद आता है शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, आगी उड़ान पे, आ जाने क्यों दिलाही मेरा चिया। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन दिया है, वो भी बोलता हूँ। यहाँ पे स्टॉप है तो इलाही मेरा जिया है, सिर्फ ऐसा स्टॉप करके स्ट्रम करके स्टॉप करना है। और एक कॉर्ड है, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अलग कॉर्ड है, ये है जी मेजर। इलाही मेरा जी आए आए। तो इसका भी मैं बोलता हूँ, स्ट्रमिंग करने के बाद आपको यहाँ पे इन दो कॉर्ड्स पर स्टॉप करना है, एक एक स्ट्रम देके। तो शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उड़ान पे, ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो वापस मुखड़ा शुरू होता है। तो ये जो दो है आप जरूर बजाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। ये गाना है बहुत ही सिंपल कॉम्पोजिशन है, वेस्टर्न प्रोग्रेशन है, लेकिन
बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। मैं चाहूँगा कि हम वापस अंतरे के साथ शुरू करें ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए अपने इंस्ट्रूमेंट पे। आई एम श्योर आप लेके बैठे हैं बहुत सारे लोग, तो हम अंतरे से शुरू करते हैं और एंड तक वापस जाते हैं। ओके मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे भी आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं अगर आप गिटार के साथ बजा रहे हैं पूरा, क्योंकि एंड तक अंत तक यही कॉर्ड्स दो कॉर्ड्स शुरू रहते हैं। तो ये था आज का सेशन। ये गाना बहुत ही छोटा था, बहुत ही आसान था, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझा होगा मैंने जिस अपने तरीके से, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैंने बांटने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमी महसूस हुई हो या कुछ लगा हो कि मुझे और डिटेल्स चाहिए या इस गाने के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में वो सवाल लिखिए, मैं कोशिश करूँगा हर आपके सवाल का जवाब देने का। तो और आपको अगर कोई कमेंट्स, मतलब अगर कोई और सवाल है कि गाने के टेक्निकल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि इवन वोकल्स के बारे में कि आपको कैसा गाना चाहिए, वो भी मैं कोशिश करूँगा देने की। और अगर आप कीबोर्डिस्ट हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे इस गाने के साथ बजा सकते हैं, अगर वो भी सवाल है वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले शनिवार शाम 5 बजे वापस आपके सामने आऊँगा एक नया गाना लेकर। और उम्मीद है आपको ऐसे ही मैं आपका मनोरंजन करता रहूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और खुश रहिए, गाते रहिए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और अलविदा, नमस्कार।